हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना निर्मल सिंह अनमोल। तो आज है 9 तारीख और हम जा रहे हैं नैना देवी। ये मेरा मंथ का दूसरा टूर है। तो पहले मैं बाइक पे था, अब मैं जा रहा हूँ छोटे हाथी पे। ये दिखाता हूँ आपको बाइक का, तो मज़ा ले लिया। अब छोटे हाथी का देखो, फैमिली जा रही है, एक फ्रेंड है उसकी फैमिली जा रही है, तो उनको मैं शो नहीं कर सकता, थोड़ा प्राइवेसी इशू हो जाता है। तो अभी आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाऊंगा। बस आप पूरी वीडियो देखो। अन्नू स्माइल प्लीज। तो फ्रेंड्स, अभी हम घर से चली थे तो रास्ते में आ गई बारिश। अभी हमारा छोटा हाथी है तो इसके ऊपर से तरपाल लगाएंगे फैमिली, ताकि बारिश में ना भीगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट यहाँ खड़ेंगे, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये मेरे दोस्त हैं दो, कुलदीप और एक अन्नू, तो इनके साथ तो फैमिली जा रही है कुलदीप की, तो हम दोनों साथ में आए हैं वैसे ही मज़े के लिए। हेल्प करा दे, हेल्प कर जा। बड़े रस्से मार रहे हैं। अभी फ्रेंड्स तरपाल लग चुकी है, हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश हुई है, लेकिन अभी रुक गई है बारिश। थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, गर्मी थी पहले हमारे गांव में, तो गर्मी थी, यहाँ ठंड होगी। अभी देखते हैं आके क्या मौसम मिलेगा, कैसा माहौल होगा, कैसा नहीं, कितनी की भीड़ होगी, क्योंकि रास्ते में अभी भंडारे का सिस्टम भी होगा। बाकी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अभी पटियाला, पटियाला सरहंद बाईपास। तो यहाँ पे देखो जाम बहुत है, भीड़ बहुत है, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। देखो जाम भी लगा हुआ है, गर्मी है, कैसे बहुत सारे लोग हैं, टूरिस्ट हैं, बाइक वाले हैं, गड्डियों वाले हैं, जिन्होंने झंडे लगाए हैं वो भी नैना देवी जा रहे हैं। तो ट्रैफिक देखो, पीछे हमें बारिश मिली थी, अभी यहाँ पे गर्मी है। देखो चलो ग्रीन हो गई, बहुत क्राउड है, दोपहर के टाइम भी बहुत भीड़ है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं सरहंद रोड, पटियाला पार कर चुके हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी लग रही थी, अभी तरपाल उतार रहे हैं क्योंकि उस टाइम तो बारिश थी, अभी तरपाल उतार रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है लंगर, तो वहाँ पे अभी चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो फिर आगे देखते हैं क्या होएगा, कैसा मौसम है, कैसा नहीं है। तो अभी चल रहे हैं, तो आगे दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ रुके थे माता का झंडा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोस्त को आ गया चश्मा पसंद, ये देखो ना? तो मुझे तो इसमें कोई अच्छा नहीं लगा। हाँ झंडा ज़रूर लगाएंगे, ये देखो ये छोटा सा झंडा लगाने लग रहे हैं गाड़ी वाले अंकल। फ्रेंड्स अभी हम रुके थे सरहंद, तो यहाँ पे लिया हमने चश्मा। तो अभी देखो एक हमारा है, ये देख दिखा चश्मा, देखा हम दोनों ने सेम चश्मा लिया है। तो चलो अब चलते हैं, अभी यहाँ से सेल्फ मार रहे हैं। तो अभी यहाँ देखो सरहंद में भी बहुत भीड़ है, क्योंकि माता को जाने, माता नैना देवी को जाने वाले बहुत सारे, भक्ति लगा लो, भगत लगा लो, एक ही बात है, बहुत सारी
दुनिया जा रही है। तो अभी रास्ते में दिखाऊंगा आपको, यहाँ तो थोड़ी अभी भी कम है लेकिन आगे जाके मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा कितनी भीड़ है, कितने टूरिस्ट हैं, कैसा क्या कुछ माहौल है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सरहंद फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के सामने। तो अभी यहाँ पर रुकेंगे, मत्था टेकेंगे। यहाँ की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ यहाँ से नैना देवी तक की और उससे आगे निकल जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी दूर निकलने के बाद। रह गया 5-7 किलोमीटर, तो उससे पहले हम रुके हैं यहाँ पे लंगर करने के लिए। लेकिन लंगर छकने से पहले भी हम एक लोकेशन देखी, ये देखो ये पुल है, ये सड़क के पुल है जो 4 लेन जा रही है, तो इसके नीचे हमें लोकेशन मिल गई। तो यहाँ हम फोटो शूट करने के लिए रुके। तो मेरे साथ है अन्नु, तो हम दोनों यहाँ पे 2-4 फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे अच्छी सी इंस्टाग्राम के लिए। तो फिर उसके बाद लंगर छकेंगे, फिर उसके बाद कीर्तपुर साहिब के लिए निकल जाएंगे, फिर उसके बाद आनंदपुर साहिब और फिर नैना देवी। चलो बाकी का आपको दिखाता हूँ बाद में। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कोला टोबा पे, ये देखो। तो यहाँ से रह गया लगभग 15-16 किलोमीटर, क्योंकि हमने गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। यहाँ से जाएंगे हम पैदल, लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अभी यहाँ से पैदल जाएंगे, जैसा भी होगा आपको रास्ते में दिखाऊंगा, जो भी होगा आप बने रहो वीडियो में। इतनी देर है, कैसा है, एक बहुत भीड़ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, देखो ये इनकी फ्रेंड्स की फैमिली है, ये मेरा दोस्त है। तो ये देखो भीड़ बहुत है, यहाँ पे नहीं है लेकिन सड़क पे बहुत भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा ट्रैफिक भी बहुत सारा है। तो अभी आगे देखते हैं, अभी ये देखो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 17 किलोमीटर का कि नैना देवी माता जो है 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम तो हमें मार रहे थे, तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है पैदल पैदल, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। तो अभी टाइम भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया अभी 8:51 का, अभी बोर्ड देखा हमने तो यहाँ से बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नैना देवी माता यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो हमने अभी चढ़ाई शुरू कर दी है, तो लगभग 9 बज चुके हैं। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा हमें ऊपर पहुँचने में, कितना टाइम लगेगा, क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो मेन रोड को छोड़कर माता नैना देवी को जो रास्ता जा रहा है सीढ़ियों से, उस पर आ गए हैं। अभी यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है, जो भी अपडेट होगी बाकी आपको बताऊंगा। पैदल चलने में बहुत मेहनत लगती है, बाकी मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे बाइक से या गाड़ी से ही आया हूँ, अभी पैदल जा रहे हैं, सांस भी फूलती है, तो अंधेरा भी है। चलने के बाद हम यहाँ रेस्ट के लिए बैठे हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं। तो अभी पता नहीं कितनी दूर पड़ा है, अभी यहाँ पूछने पर पता लगा कि लगभग 2-2.5 घंटे हमें और लगेंगे चढ़ने के लिए। तो देखते हैं, अभी 9 बजे चले थे, तो अभी टाइम हो रहा है 9:35, टाइम हो गया 9:35। तो गर्मी बहुत मेहनत का काम है ऊपर चढ़ना, बाकी जब भी मैं आया हूँ बाइक पे आया हूँ या फिर गाड़ी में आया हूँ तो मुझे इतना फील नहीं होता था, अब पता चला है कि यहाँ पे भी चढ़ाई है। तो बाकी जैसे भी होगा आपको बताएंगे किस टाइम पहुँचूँगा, तो वो भी आपको बताऊँगा, रास्ता भी आपको दिखाऊँगा। तो कहीं कहीं पर यहाँ व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, आपको वो भी दिखाऊँगा। अच्छा वीडियो बने रहो, लास्ट तक देखना। चलो क्या खूबसूरत नज़ारा है, बाकी जब भी आप हिमाचल में आते हो तो आपको महसूस होने लग जाता है कि आप किसी अच्छे एरिए में आए हो, ना यहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्राउड तो है लेकिन हर तरफ चारों तरफ आपको ग्रीनरी देख के मज़ा आ जाएगा, आपको महसूस पहले ही हो जाता है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर, अभी बहुत टाइम लगेगा हमको जाने में, रास्ते में और भी आएंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको, अब बस वीडियो बने रहो। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं माता नैनी देवी के जो पक्का रास्ता है वहाँ पर, देखो थोड़ी दूर रह गया। अभी टाइम हुआ है लगभग 11:25, तो हम लग वहाँ से 9 बजे चले थे,
तो अभी देख लो लगभग 2.5 घंटे हो गए हमें यहाँ तक पहुँचे। मेन तो बहुत है, बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम है। तो अभी दिखाते हैं आपको, लगभग 500 मीटर का रास्ता और रह गया, फिर आपको ऊपर जाके वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स अभी हम माता नैना देवी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, दरबार हो गया बंद 11 बजे, तो खुलेगा सुबह 2 बजे, तो अभी टाइम हुआ है लगभग 12 बजे का, तो 2 घंटे हमें कहीं रुकना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मंदिर वहाँ वो उस साइड है, ये बादल हैं, धुंध है, क्या है पता नहीं, तो उसकी वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर बाद मौसम साफ़ होगा तो दिखाई देगा। बाकी चलो ऊपर तक जाते हैं, देखते हैं हमें शूट करने देंगे, वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, अगर नहीं देंगे तो मैं नहीं बना पाऊँगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखो फ्रेंड्स, पुट्ठे कम, ये मेरा दोस्त कैच कुआरा, ये देखो, ये एक अपने ऊपर एक कलाकारी और करवा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं नैना देवी माता की पार्किंग के पास, पार्किंग पूरी फुल है, और जो रोड वाला रास्ता है उससे बाइकों को भी नहीं आगे जाने दे रहे, क्योंकि सीधा नैना देवी के पास चला जाता है। अभी हम उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मंदिर जो है, दरबार जो है, वो 2 बजे खुलेगा और अभी बजे हुए हैं 12, तो अगर हम यहीं रुके तो हमें 2 घंटे रुकना पड़ेगा, यहीं कहीं बैठना पड़ेगा। अगर हम चलते रहें तो 2 बजे तक हम ऊपर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर चांसेज रहेंगे कि दर्शन जल्दी हो जाएँ और हम अपने फ्रेंड्स के साथ और उसकी फैमिली के साथ वापस आ जाएँ। तो उसके बाद का जो प्लानिंग है वो सुबह देखेंगे। अभी हम रास्ते का वीडियो बनाऊंगा, तो ऊपर पहुंच के फिर आपको दिखाऊंगा हम कितनी देर में पहुंचे। तो अभी 12 बजे हुए हैं, तो यहाँ से देखते हैं कितनी दूर का सफ़र हो जाएगा। तो गाइस अभी हम नैना देवी माता मंदिर के काफ़ी करीब हैं, लगभग 100 मीटर। ये बदल है, इसी की वजह से आपको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा, और ये लगभग यहाँ से पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो पार्किंग के पास हम पहुँचने वाले हैं, अभी देखते हैं कितने टाइम में दरबार खुलेगा, तो फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी कितनी भीड़ है। अभी रात के लगभग लगभग रात के 1 बजे हुए हैं, तो अभी भी देख लो कितने लोग हैं जो आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, टैक्सी पे आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। देखो अभी इतना क्राउड मैनेजमेंट कैसे संभालती है यहाँ का नैना देवी का, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर बहुत बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं। देखो ये लो, तो बाकी ऊपर जाकर आपको माहौल दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये माहौल है यहाँ का, लोग नीचे सोए हुए हैं अपना पोलोथीन बिछा के। ये देखो पार्किंग, ये पार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे अभी लंगर चलाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखो ये माहौल है, अभी गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं है, होटल फुल हो चुके हैं, हमने नीचे ही पूछा था, तो अभी इससे आगे जाने नहीं देंगे। देखो क्यों आगे पार्किंग है, ये देखो, ये लो, अभी रात को भी देखो कितनी भीड़ है, बाइक्स वाले आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। देखो तो अभी फ्रेंड्स हम ऊपर आ चुके हैं, तो ये देख लो संगत कैसे रास्ते पर ही लेटी हुई है। अभी यहाँ आके पता चला है कि मंदिर खुल गया, दर्शन शुरू हो गए। अभी फिर ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ से दर्शन करके फिर लौट के कुछ मिला तो वीडियो बनाऊंगा, बाकी आपको बाद में बताते हैं। देखो क्राउड कितनी है, और मौसम देख लो, मौसम में तो पूरा मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं, अभी बजे हैं सुबह के 7, तो ये लगभग हमें 5 घंटे लगे दर्शन करने को। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, अभी जाएंगे बालकनाथ, तो वो दिखाऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा।